दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप कॉस्मेटिक का नया बिजनेस करना चाहते हैं या दुकान खोल रहे हैं तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर सामानों की लिस्ट आप बताएं कि कॉस्मेटिक में कौन कौन से सामान होते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाते भी चलूँगा प्रोडक्ट, और साथ में आप लिस्ट के लिए नाम नोट कर सकते हैं कि कॉस्मेटिक की यदि शॉप खोलने में आपको कोई परेशानी आ रही है, आप लिस्ट बनाना चाहते हैं सामानों की तो आप बना सकते हैं, तो उनके नाम आप नोट कर लीजिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को लाल रंग के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप नाम नोट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अपनी शॉप में रख रखा है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ शैम्पू की, तो इस तरह के शैम्पू आप यहाँ पर रख सकते हैं जो सभी तरह के ब्रांड्स है, सनसिल्क है, हेड एंड शोल्डर है, डव है, हीना है, ट्रेसमे है, बहुत सारे शैम्पू है, इस तरह के शैम्पू आप रख सकते हैं। दूसरा नाम नोट कीजिए, ब्लीच की मैं बात करता हूँ, तो इसमें ब्लीच फेम ब्लीच है और आपकी ऑक्सी लाइफ है, डायमंड वाली है, फ्रूट वाली है, इस तरह की ब्लीच आप रख सकते हैं। और साथ में ये हेयर है, जो डुप्लीकेट हेयर आते हैं जूड़े वाले, ये हेयर भी आपको रखने पड़ेंगे कॉस्मेटिक में, इनकी भी काफ़ी डिमांड्स होती है। उसके बाद मैं पाउडर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर इस तरह के ब्रांड्स के पाउडर पॉन्ड्स हुआ, नाइसिल हुआ, 22 यानी कि विजोन्स हुआ, डर्मिकुल्स हुआ, जॉनसन्स बेबी, फॉग मास्टर, इस तरह के आइटम आप ले लेते हो। आप यहाँ पर साबुन, प्रत्येक तरह की साबुन आप रख सकते हो, आप देख सकते हैं। साथ में आप चाहे तो यहाँ पर कोलगेट भी रख सकते हो, कॉस्मेटिक में ये आइटम भी आपके बिक जाते हैं। दोस्तों मैंने तो यहाँ पर ये ऑल आउट वगैरह भी रख रखी है, साथ में ये डिटॉल का और जिलेट का ये शेविंग ब्रश और शेविंग क्रीम है जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। इस तरह की साबुन और इस तरह का आपको ऑक्सीग्लो, ये चेहरे के लिए है, यदि चेहरे पे चमक लानी है तो इसका यूज किया जाता है। उसके बाद अब ये तेल है, नवरत्न तेल, चमेली का तेल, हेयर एंड केयर, महाभ्रंगराज, केश किंग, ऑलमोंड्स, निहार, शांति, आंवला, इस तरह के आप ऑयल रख सकते हो, ये भी लिस्ट में नाम लिख लीजिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर फेस वाश की, फेस वाश में भी बहुत सारे ब्रांड्स है, वीको है, जो है, हिमालय है, लैक्मी के कई फ्लेवर्स आते हैं, पॉन्ड्स है, वाइल्ड स्टोन्स है, मेंस के लिए, वुमेंस के लिए, गार्नर्स है, फेयर एंड हैंडसम है, इस तरह का फेस वॉश यहाँ पर रख सकते हो। साथ में दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ आपका हेयर रिमूवर, यहाँ पर हेयर रिमूवर भी आपको रखना पड़ेगा और हेयर शाइनर भी रखना पड़ेगा, जैसे लिवोन है, लिवोन के हेयर शाइनर है, और साथ में स्टिक्स हेयर शाइनर है, और साथ में यहाँ पर हेयर रिमूवर है, इस तरह का आइटम भी आपको रखना पड़ेगा, सभी कंपनी के आपको लाने पड़ेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्रीम्स की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्रीम्स है आपकी, जैसे कि लैक्मे की है, फेयर एंड हैंडसम है, और यहाँ पर माई ग्लो है, ग्लोइना है, हिमालय है, और आपको क्रीम्स मॉइस्चराइज़र है, सन क्रीम है, पॉन्ड्स मॉइस्चराइज़र, निविया एलोए प्रोटेक्शन है, और यहाँ पर एडी फटने वाली क्रीम है, इस तरह की बहुत सारी क्रीम्स आपको लानी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा सभी जितने भी आइटम कॉस्मेटिक में होते हैं लगभग सभी का 2 से 3 साल तक का एक्सपायरी डेट होता है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपको गार्नियर, जो बाल काले करने के लिए गार्नियर होता है, एक तो 39 रुपीज़ का आता है, एक 30 रुपीज़ के पाउच आते हैं, उसके बाद एक इस तरह के गार्नियर कलर नेचुरल बड़ा आता है, और इस तरह के पॉइंट्स यहाँ पर ला सकते हो। तो दोस्तों मैंने रूम फ्रेशनर भी रख रखा है, और साथ में कार फ्रेशनर भी रख रखा है, और विपो रब भी यहाँ पर है, इस तरह के आइटम्स भी आप रख सकते हो। विपो रब के साथ में आप जैसे कि झंडू बाम हुआ, इस तरह का आइटम भी आप रख सकते हो। उसके बाद अगली लिस्ट में नाम जोड़ लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए ये जूड़े में लगती है, ये पफ, इस तरह के पफ है, और उसके बाद यहाँ पर रेजर है, आप रेजर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेडीज और जेंट्स दोनों का। साथ में यहाँ पर वैक्स है, ये डिब्बे वाली वैक्स आती है, इसमें कई फ्लेवर्स आते हैं, जैसे कि ये चॉकलेटी है, साथ में एलोवेरा आता है, ये दोनों काफ़ी बिकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्कॉच वगैरह, उपटन वगैरह, जो आपके शादी ब्याह में काम आ जाते हैं, और उसके बाद एक लिस्ट में आप हार्पिक, कोलिन, इस तरह के आइटम्स में भी आप अपनी लिस्ट में नाम कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि स्टे फ्री है, छोटा बड़ा साइज सेफ रहो, साथ में यहाँ पर विस्पर्स हैं, सेफ रहो, इस तरह के आइटम्स आपको रखने पड़ेंगे यदि कॉस्मेटिक में आप काम कर रहे हो। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको साथ में सामने दिखाई दे रहा होगा कि लैक्मे का वोल्वेट मैटे पाउडर है, यानी कि फेस पाउडर, और साथ में आपको
यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारी परफेक्ट रेडियंस क्रीम्स है। यहाँ पर आपको फेशियल पैक है, फेस पैक है, यहाँ पर आपको छोटी किट है फेशियल की, बड़ी किट है फेशियल की, चारकोल है, स्क्रब है और मास्क है, साथ में आपको फाउंडेशन है। इस तरह का आइटम आपको यहाँ पर रखने पड़ेंगे। तो ये बहुत सारे डिमांड्स होती है इनकी, इन आइटम को आपको कॉस्मेटिक के इसमें रखना पड़ेगा। साथ में अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर नेल पॉलिश की। नेल पॉलिश में आपको किस कई तरह के लाने पड़ेंगे, जैसे कि 15 रुपये की बिक्री से लेकर के 50-60 रुपये तक की बिक्री तक के यहाँ पर नेल पॉलिश आपको लानी पड़ेगी। कस्टमर की डिमांड इसी रेंज तक रहती है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मस्कारा है और आपका आईलाइनर है, आईब्रो पेंसिल है, बहुत सारे आइटम ऐसे है, ब्रोशेज है, मेकअप ब्रोशेज। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरह के आइटम भी ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद आप गुलाब जल, डिटॉल, सैनिटाइजर्स और ग्लिसरीन और थिनर, इस तरह के आइटम भी आपको लाने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी होते हैं कॉस्मेटिक में। दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर ले तो यहाँ पर लिपस्टिक है अलग अलग कंपनी की, लेके 18-15 रुपये से, और आप कितनी भी महंगी रेंज तक की ये लिपस्टिक यहाँ पर ला सकते हो। दोस्तों साथ में लिप ग्लॉस है, और साथ में किड्स के लिए भी यहाँ पर जो पिंक लिप्स हो जाते हैं उसके लिए भी यहाँ पर लिप ग्लॉस आता है, जो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। उसके बाद आप परफ्यूम्स की तरफ चले, डियो की तरफ चले, तो डियो भी आपको रखना पड़ेगा अलग अलग कंपनी का। उसके बाद आपको जो लिस्ट में नाम ऐड करना है, लेके 10 रुपये से और 50 रुपये तक के हेयर बैंड आते हैं गर्ल्स के, बच्चों के और बड़ों के, यहाँ पर आप देख सकते हो। और साथ में ये यहाँ पर मैंने हेलो पिन, जूड़ा पिन है, ये जूड़ा पिन भी ला रखा है, और साथ में इस तरह के शादी भी हमें चलने वाले, ये जूड़ा पिन भी है, इस तरह के आइटम भी आप रख सकते हो। और दोस्तों ये गर्ल्स के लिए हेयर पट्टी है, जो आजकल काफ़ी डिमांड में है, लेटेस्ट डिज़ाइन में ये पट्टी मांगते हो। साथ में इस तरह की पिंस हैं और इस तरह की रबड़स है, जो बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है। साथ में ये क्लेचर है, क्लेचर आप देख सकते हो, बहुत सारे छोटे बड़े डिजाइन से आपको लाने पड़ेंगे, 10 रुपये से लेकर 50-60 रुपये तक के काफ़ी होते हैं। उसके बाद ये मेकअप किट, मेकअप किट में भी काफ़ी डिजाइन आते हैं। ये मेकअप का कोई सामान लेने आता है तो वो किट यदि भरवाता है तो इस तरह से आपको लाने पड़ेंगे। ये कार्ड भी मैंने ला रखे हैं, शादी भी हमें चलने वाले, साथ में पर्स है, हैंडबैग है, इस तरह से ला सकते हैं। ये पॉकेट परफ्यूम्स है, कंघे हैं, इस तरह से आइटम आप ला सकते हो। ये रबड़स है, स्याही है, स्कॉच ब्राइट है, और ये साथ में शैम्पू आप यहाँ पर लाने आपको पड़ेगा। उसके बाद मैं अगले पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ, तो ये चूड़ियाँ है, चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा 2-4, 2-6, 2-8 नंबर की चलती है, यानी कि 24-26-28 साइज की चूड़ियाँ लानी पड़ेगी। इसमें प्लेन और डिजाइनिंग चूड़ियाँ लानी पड़ेगी, साथ में आपको बिंदी के पत्ते लाने पड़ेंगे, जो 5 रुपये की बिक्री के, 10 रुपये की बिक्री के, और साथ में एक्स्ट्रा पत्ते आते हुए लाने पड़ेंगे। साथ में आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये चिमटियाँ हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्टार गोल्ड और मीसा गोल्ड की, ये चिमटियाँ है, इस तरह की चिमटियाँ आपको लानी पड़ेगी, जो कपड़े सुखाने में काम आती है। इस तरह की चूड़ियाँ, कंगन और चूड़ियों के सेट, बच्चों के चूड़ियों के सेट, सॉक्स, ज्वेलरी, इस तरह के आइटम आपको यहाँ पर लाने पड़ेंगे, इस तरह के सेट आपको लाने पड़ेंगे जो कॉस्मेटिक में ही काम आते हैं। और इनसे अलग दोस्तों आपको ये ब्रा लानी पड़ेगी, प्लीज़ अंडर गारमेंट से लाने पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कि आप साथ में कंपनी के भी लाए, लोकल भी लाए, और साथ में जेंट्स आइटम भी आप लेकर के यहाँ पर आए। दोस्तों मैंने यहाँ पर ब्रूस भी ला रखे हैं, बच्चों के बड़ों के, आप भी कॉस्मेटिक में रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर बात कर ले तो बच्चों की चूड़ियों के, कंगन्स के, और साथ में ये आपको हेयर में, बालों में लगाने के लिए पिंस होती है, जुड़े होते हैं, साथ में ये छोटे बड़े शीशे होते हैं, इस तरह के कंघे पैकेट आते हैं जो लड़कियां बॉक्स में रख लेती हैं, तो इस तरह के आपको लाने पड़ेंगे। कीप लानी पड़ेगी, छोटी छोटी बिंदियां लानी पड़ेगी, इस तरह के आपको कंगन लाने पड़ेंगे, क्लेचर छोटे बड़े लाने पड़ेंगे, साथ में ये आपको चूड़ियाँ लानी पड़ेगी जो मेटल्स की होती हैं, धागे लाने पड़ेंगे, कंघे लाने पड़ेंगे, लाल काला धागा, इस तरह के आइटम चलते हैं, नजरिया चलती है, बिंदियाँ चलती हैं। बता देता हूँ कि यहाँ पर रिंग्स हुई और ब्रेसलेट्स हुए, इस तरह के पिंस हुए, इयररिंग्स हुए, टॉप्स हुए, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की माला ब्रेसलेट हुए, और बच्चों के बोनी किड्स और इस तरह के हेयर बैंड हुए, यहाँ पर आपके नेल कटर हुए, गोल कंघे हुए, रिवाइव, इस तरह के बहुत सारे आइटम हैं। बच्चों का ये जॉनसन बेबी का किट होता है, कंघे होते हैं, बेल्ट होती है, ये इस तरह की बेल्ट्स होती है लेडीज़ और जेंट्स, बच्चों की सभी तरह की बेल्ट।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रुमाल है, लेडीज और जेंट्स रुमाल है, बनियान है, अंडरवियर है, तो इस तरह के आइटम्स आप यहां पर ला सकते हो। कॉस्मेटिक में ये सब आइटम्स आपके चल जाए। दोस्तों ये जितना भी आइटम आपने इस वीडियो में देखा ये मात्र 50,000 रुपये में मैं सारा सामान लाया था और इसमें मार्जिन 10% से लेकर 50% तक का मार्जिन आपको मिल जाता है। जो भी नई दुकान खोल रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट टिप्स है कि वे लोग ज़्यादा आइटम एक ही प्रोडक्ट का ना ले, दो दो आइटम ले, इससे ज़्यादा ना ले, सदर बाज़ार से ले आप या अपनी लोकल होलसेलर से ले, मगर जो भी ले लेटेस्ट मैन्युफैक्चरर्स वाली ले, यानी कि 2021 चल रहा है तो 2021 की डेट के ले, एक दो महीने पहले के ले, तभी आपको फ़ायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर आप उस पर देखें और एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी नई दुकान खोलने के लिए आपको लिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने सभी आइटम आपको दिखाए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और लिस्ट आपकी तैयार हो चुकी होगी। यदि आपके कुछ सवाल है तो कमेंट्स कीजिए और मैं आपके लिए फिर से उन कमेंट्स के आधार पर वीडियो लाऊंगा। और वैसे तो मैं बिजनेस संबंधित वीडियोज लाता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।